आज के इस वीडियो में हम प्रबंध काव्य की परिभाषा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने काव्य किसे कहते हैं उसके भेदों को अच्छे से पढ़ा था, और एक पढ़ा था हमने श्रव्य काव्य किसे कहते हैं और उसके भेद, तो उसके भेद ही है प्रबंध काव्य। तो हम देखते हैं प्रबंध काव्य क्या होता है। तो जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से क्या हो, निबंध हो। जो रचना है कथा सूत्रों या छंदों की क्या है तारतम्यता में क्या अच्छी तरह से निबंध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य तीन प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। तो ये हमारे प्रबंध काव्य की परिभाषा और उसके प्रकार। हम जो प्रबंध काव्य है उसके प्रकारों को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मुक्तक काव्य की परिभाषा और उसके प्रकार देखेंगे। मुक्तक काव्य की परिभाषा किस प्रकार बनेगी हमारी, कि जो मुक्तक काव्य है ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें प्रत्येक क्षण क्या स्वतंत्र होता है। मुक्तक, मुक्तक का अर्थ ही क्या होता है, स्वतंत्र होना। तो ऐसा मुक्त या ऐसा काव्य जिसमें रचना या प्रत्येक छंद स्वतंत्र हो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार भी, यदि भूल जा, यदि आप भूल जाओ भी तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि मुक्तक काव्य ऐसा काव्य होता है जिसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है उसे मुक्तक काव्य कहते हैं, तथा इसमें कथा नहीं होती है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने मुक्तक को और प्रबंध को बताया है कि जो प्रबंध काव्य है आदि विस्तृत वनस्थली है, या जो प्रबंध काव्य वहाँ क्या है वन स्थली, और जो मुक्तक काव्य है वहाँ चुना हुआ गुलदस्ता है। तो ये हमारे मुक्तक काव्य की परिभाषा है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने बताया है प्रबंध काव्य को और मुक्तक काव्य को कि इन्हें किस प्रकार लिया गया है या ये प्रकृति में किस प्रकार है। और मुक्तक काव्य दो प्रकार का होता है, गेय मुक्तक, पाठी मुक्तक। तो अगले वीडियो में हम गेय मुक्तक और पाठी मुक्तक पर पढ़ेंगे। तो हम इसके मैं इसे लंबा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि हम उस वीडियो में गेय मुक्तक की परिभाषा और उसकी विशेषता पढ़ेंगे, और पाठी मुक्तक किसे कहते हैं और उसकी विशेषता पढ़ेंगे। आप प्रबंध काव्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, उसके बाद मुक्तक काव्य का भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और यहाँ कितने प्रकार का होता है आप इनके प्रकार पर ध्यान दीजिएगा कि कौन कितने प्रकार का है और कौन कितने प्रकार का है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्ट के रूप में एक नंबर में पूछा जाता है कि गेय मुक्त कितने प्रकार का होता है, या मुक्तक काव्य कितने प्रकार का होता है, या काव्य कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते। एक बार आप जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ेगा। नहीं, काव्य का काव्य के बाद में ये आधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद ये पूरा ले लीजिए।